गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो हम करने वाले ना उसमें देखिए कुछ इस टाइप से एडिटिंग। बैकग्राउंड में फ्रेंड्स मेरा जो ये जाली टाइप का ना वो नहीं था, ठीक है। तो मैं इसको जाली लगाया हूँ एंड अपने हेयर को देखिए किस तरह से इसको ऑफ कर दिया हूँ। देखिए मेरा हेयर जो है कुछ इस टाइप से था। मैं इसको हेयर को अच्छा से देखिए किस तरह से एडिटिंग किया हूँ। तो आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ बताने वाले कि आप हेयर को कैसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेयर को एडिटिंग करने के लिए फ्रेंड्स आपको ना इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, तभी आप हेयर एडिटिंग सीख पाएंगे। देख लीजिए कुछ इस टाइप से मेरा जो फोटो है सो था पहले एंड एडिटिंग के बाद से कुछ इस टाइप से कितना अमेजिंग दिखने लगा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वाली वीडियो को करते शुरू। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आप हेयर एडिटिंग सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ओरिजिनल फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको एक प्रीसेट मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस प्रीसेट को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड यहाँ से आपको देखिए थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है और कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके और ये सब तीनों को आपको इनेबल कर देना है। एंड यहाँ से आपको फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करके और पेस्ट सेटिंग कर देना है, ठीक है। तो आपका फोटो जो है ना कुछ इस टाइप से वन क्लिक में बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा देर देखिए, हो गया मेरा फोटो कुछ इस टाइप से बन गया। देखिए वन क्लिक में बन चुका है, बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए कितना अमेजिंग लगने लगा, वो भी वन क्लिक में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अपने फोटो को सही से एडजस्ट कर लेना है। देखिए ब्लैक को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना रहने देता हूँ। एंड यहाँ से आपको देखिए ये वाला है शेयर का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके और एक्सपोर्ट एस पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ से आपको सेटिंग देख लीजिए, JPG है इसको यहाँ ही रहने देना है एंड क्वालिटी को 100 कर देना अगर आपके 90% होगा तो, ठीक है। और यहाँ से आपको सेंड पे क्लिक कर देना है तो आपका फ़ोटो फुल HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा। एंड क्या करना है, अपने फ़ोटो को स्मूथ कर लेना है, ठीक है। तो मैं फ़ोटो को पहले से स्मूथ कर लिया हूँ। अगर आप फ़ोटो को स्मूथ करना नहीं जानते तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स मैं अपने फ़ोटो को लेके चलता हूँ पिकार्ट एप्लीकेशन के अंदर। स्मूथ करने के बाद से आपका फ़ोटो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, देख लीजिए मैं स्मूथ करके रखा हूँ पहले से, ठीक है। आपको फ़ोटो को पूरा स्मूथ कर लेना है सही से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अब वहाँ से जाके देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपने बैकग्राउंड को पहले ब्लर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से टूल्स पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर लेना है एंड इसको पूरा नीचे कर देना है, ठीक है। नीचे का और रखना है ऐसे करके एंड यहाँ से इरेज पर क्लिक करना है और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है। एंड यहाँ से फ्रेंड्स आपको इरेजर पे जाना है, उसको हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा देना है, साइज को बढ़ा देना है। तो मेरा देखिए इधर जिधर पेड़ है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, देखिए इधर अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ से देखिए इधर जिधर मेरा बैकग्राउंड है इधर रहने देते थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इधर आपको सही से इरेज कर लेना है अपने फेस पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। आप अमाउंट इसका देखिए जितना रख सकते हैं उतना रख लीजिएगा, तो मैं इतना रख लेता हूँ, देख लीजिए जितना अच्छा लगे आपको उतना ही रखना है। यहाँ से डन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड तो ब्लर हो गया, ठीक है। आप अपने हेयर जो मेन काम है हेयर वैल्यूम मतलब हेयर को कैसे अप किया जाता है, ठीक है। तो हेयर को देखिए यहाँ से आपको क्या करना है दिखा देता हूँ, टूल्स में जाना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको देखिए वो आपको साइज को अपने हिसाब से रखना है, पावर को थोड़ा मैनेज कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से ये इस तरह करके आपको सॉरी साइज को थोड़ा और बढ़ा कर लेना है, ठीक है। एंड हेयर को एंड यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितना अच्छे से मेरा जो हेयर है वो स्ट्रेट हो चुका है। पहले देखिए बिफोर एंड आफ्टर हेयर कितना अच्छे से स्ट्रेट हो चुका है। एंड आपको क्या करना है, आप अपने बैकग्राउंड में जाली लगाना है, ठीक है। तो जाली सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एड फोटो पे जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में इस PNG का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से ग्लेरी में हम चल जाते हैं, आपको PNG को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने जो PNG है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा PNG, एड पे कर लेना है और यहाँ से आपको सही से इस तरह करके एडजस्ट कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से करके आपको एडजस्ट करना है।
बैकग्राउंड में पूरा रहने देना है। एंड यहाँ से इरेज पे क्लिक करके और फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर देना है और आपको ब्रश कर ये वाला ब्रश जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है और कुछ इस टाइप से करके आपको सही से एडजस्ट करना है, मतलब फेस पे नहीं जाने देना है, ठीक है, बैकग्राउंड पे ही रहने देना है। तो देखिए मैं कुछ इस टाइप से करके अपने जो PNG है उसको ऐड कर लेता हूँ। पूरा ऐड हो चुका है, ठीक है, आपको सही से ऐड कर लेना है। यहाँ से डन पे क्लिक कर लेना है, फिर से डन पे क्लिक करना है। और अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको देखिए यहाँ से कलर इफेक्ट पे जाना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आपको देखिए इसको बैकग्राउंड पे रख देना है एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा पीला कर लेता हूँ। ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला कलर, तो ये कलर मैं रख लेता हूँ। यहाँ से फिर से आपको डन पे क्लिक कर लेना है एंड आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐड फोटो पे फिर से जाना है और एक सन का PNG होगा, सन सूरज का, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको सही से एडजस्ट करके लगा देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऐड कर लेना है अपने सन का PNG जो होगा, उसको ब्लाइंड में जाके और स्क्रीन कर लेते हैं और थोड़ा इधर लगा देते हैं एंड इसका ओपेसिटी है थोड़ा माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो इधर और ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा देखने में। डन पे क्लिक कर देना। तो फाइनली यहाँ से मेरा जो पिक्सेट का काम है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब आपने देखिए हेयर को ऑयल पेंट बनाना है, ठीक है, तो हेयर को ऑयल पेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टूल्स पे क्लिक करना है और रिसर्च पे जाके यहाँ से 28 क्लिक मतलब रख लेना है एंड यहाँ से आपको ड्रॉ पे जाना है और सेव कर लेना है अपने फ़ोटो को एंड लेके चलना आपको टूलवीज एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। आपको ऑयल पेंट बनाने के लिए टूलविज जो है एप्लीकेशन उसको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, सॉफ्ट स्मूज है इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको सबसे लास्ट वाले नंबर जो है इस पर क्लिक कर देना है, मास्क पे जाना है और इरेज पे रहने देना है, अपने जो ये है ना फेस उस पर से हटा लेना है, बैकग्राउंड में भी रहने देना है, ठीक है, तभी आपका फ़ोटो जो और ज़्यादा अमेजिंग लगेगा देखने में, ठीक है। तो यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह करके आपको इरेज कर लेना है, डन पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स अगर आपका जो हेयर है और ही ज़्यादा मतलब और थोड़ा सा करना है इसमें इफेक्ट उफेक्ट और डालना है तो आप एक बार और डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप से करके आपको कर लेना है एंड कैंसिल एंड अप्लाई, ठीक है, तो अप्लाई कर लेना है बैकग्राउंड और हेयर के ऊपर, ठीक है, शर्ट के ऊपर नहीं रखना है आपको। देखिए कुछ इस टाइप से करके आपको हेयर पे अप्लाई कर देना है और इधर से मैं इधर गाज है इस पर अप्लाई कर देता हूँ एंड डन पे क्लिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका फ़ोटो ना कुछ इस टाइप से अमेजिंग दिखने लगेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस तरह का हेयर बनाना सीख गए होंगे। और आज के छोटे वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।